हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम जा रहे हैं धुले शहर के पास में स्थित लड़िंग किले पर। किसी जमाने में यह किला खानदेश की राजधानी हुआ करता था। इसके इतिहास के बारे में आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस किले की चढ़ाई। वैसे प्राचीन इतिहास में लड़िंग यह नाथ पंथियों का मुख्य स्थान हुआ करता था। मध्ययुगीन कालखंड में लड़िंग यह खानदेश की राजधानी हुआ करता था। 13वीं शताब्दी में फारूकी राजाओं ने इस किले को बनाया। बाद में 16वीं शताब्दी में यह किला मुगलों के अधीन हुआ और उनकी प्रमुख लश्करी छावनी के तौर पे एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में जाना गया। काफी इसकी प्लानिंग है। बाद में 17वीं शताब्दी में यह किला मराठाओं के अधीन हुआ और 1818 के बाद यह अंग्रेजों के कब्जे में आया। इस किले का स्थान सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस समय इसे उत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी माना जाता था। हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी है, ऊपर अभी काफी चढ़ना बाकी है। चलिए देखते हैं और कितना बाकी है। मुंबई, पुणे, सूरत, नागपुर और आगरा की तरफ जाने वाले मार्ग का एक केंद्रीय स्थान होने की वजह से राजकीय और व्यापारिक दृष्टिकोण से इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। आज के समय में यह किला गुमनामी के अंधेरे में जी रहा है। इतना विशेष और गौरवशाली इतिहास होने के बावजूद पिछले कई दशकों से इस किले की अनदेखी होती रही है। साथियों, अभी हम आ पहुंचे हैं किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर। इन तटों का हालत देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि यह पुराना तट है और यह नया बनाया हुआ। पुराने बुरुज की हालत वाकई में दयनीय है, लेकिन यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों के प्रयासों की वजह से इस किले का संवर्धन का कार्य शुरू किया गया है। वैसे किले को नई तटबंदी का काम जोरों से शुरू है, ये बहुत बढ़िया बात है। वाह भाई वाह, क्या नजारा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको भी यह देखकर खुशी महसूस हो रही होगी। इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हालांकि यह किला ज्यादा बड़ा नहीं है, अब यहां केवल इसके अवशेष ही बचे हैं। यहाँ पर शायद बारूद खाना हुआ करता होगा और यहाँ पे बरसात के पानी का इकट्ठा करने के लिए इसका इस्तेमाल होता होगा। दोस्तों, क्या नजारा है। वाह, ये बरसात का मौसम, उस पर ये खिलखिलाती जोरदार हवाएं और ये हरियाली, दिल खुश हो गया यार आज। आइए आपको इस किले के चोर दरवाजे की तरफ ले चलता हूं। यह है किले का गुप्त मार्ग। यहां से आप नीचे ट्रेक करके जा सकते हैं और यह सीधा रास्ता लड़िंग गांव के अंदर जाके मिलता है।
लिख लिख कर क्या हालत बना दी यार। यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, ऐसे क्या मिलता है इन ऐतिहासिक धरोहरों पर अपना या किसी और का नाम लिखकर? इन विरासतों को संजोए रखने के बजाय इसे खराब करते हुए लोगों को शर्म आनी चाहिए। खैर, यहाँ पर माँ दुर्गा का छोटा सा मंदिर भी मौजूद है। चलिए दोस्तों, अभी यहाँ से नीचे उतरने का समय हो गया है, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए, इसके बाद हम एक और जगह जाने वाले हैं। यहाँ पर भी पानी को इकट्ठा करने के लिए कुछ टंकियां बनाई गई है। दोस्तों, यह किला नेशनल हाईवे नंबर 3 पर स्थित है। धुले शहर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे कई सालों बाद ट्रैक करने की वजह से चढ़ाई में थोड़ी मुश्किल जरूर हुई, लेकिन भाई वाह, मजा आ गया। भाई जरा नींबू पानी पिला दो यार, बहुत थक गए हैं। दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं रोकड़बा। इस किले से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ हनुमान जी का जागृत मंदिर है। चलिए दर्शन कराता हूँ आपको भी। क्यों यारो, मजा आया कि नहीं आज की ट्रेक और हनुमान जी के दर्शन करने का? वैसे बरसात का मौसम हो रहा है और तूफान बारिश शुरू हो गई है। चलिए मैं चला बारिश का आनंद लेने, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।